मैं बहुत ही एक साधारण परिवार से संबंध रखता हूँ। मैं मेरी जो मैं एक बहुत ही रिमोट विलेज से मैं बिलोंग करता हूँ, जो कि लगभग ले से कम 70 किलोमीटर दूर एक टुकला विलेज है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी पारिवारिक जो स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अपने एग्रीकल्चर या जो मेरे ड्रीम्स प्रोजेक्ट है उस पर काम कर सकूँ। मैं पढ़ाई कर रहा था तो हमेशा मेरे माइंड में होता था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप ही करूँ। तो उन दौरान मेरी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो जॉब जैसे ही मैंने डिसीजन ले लिया था कि अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मैं जॉब छोड़ के मैं कुछ कर सकता हूँ। मुद्रा लोन मैंने लिया और 7 लाख लेने के बाद उसको अच्छे से उसको पैसे को मैनेजमेंट करके और उसको इम्प्लीमेंट करके गवर्नमेंट को जितनी सप्लाई देनी थी मैंने दिया, और उसके बाद मुझे उससे अच्छे प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट्स को मैंने अच्छे से मैनेजमेंट करके उसको और अपग्रेड किया और उसको कंटिन्यूटी करता गया। आज मुझे लगता है कि थोड़ा मैं कुछ बन पाया हूँ, मैं कुछ लोगों को कुछ एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ, और मैं मेरे साथ अभी जितने भी मेरी एक छोटी सी टीम बनी हुई है इस बिजनेस में कम से कम 10 लोगों का एक मेरा एक ग्रुप बना हुआ है। मैम, इन 3 सालों में मुझे जो एग्रीकल्चर के जितने भी इनपुट्स है, चाहे पावर टिलर्स को लेकर, चाहे ऑर्गेनिक के क्षेत्र में जितने भी ऑर्गेनिक के मटेरियल्स है वो सप्लाई करने का मौका मिला, ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉलेशन करने का मुझे मौका मिला। मैंने सबसे वर्ल्ड्स के नंबर 1 ड्रिप इरिगेशन नेटाफिन का मेरे पास डीलरशिप है, उससे मुझे यहाँ पर चंगतंग प्रोजेक्ट्स मुझे 2-4 मिले हुए हैं, नुब्रा में मुझे प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं। इस साल में फर्स्ट इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूं मैम ड्रिप इरिगेशन को। मैं सभी को यह बोलना चाहता हूं कि आपको बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, आपको देखना पड़ेगा, चीज़ों को परखनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, आपको हर चीज़ों को देखकर एनालाइज करके आपको मेहनत करनी पड़ेगी।